बेतिया के चंपारण के बगहा में एक बच्चे को जंजीर में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पटखोली थाना क्षेत्र के मीना बाजार में एक दुकान से करीब 5,000 के सिक्कों से भरी बोरी 3 बच्चे मिलकर चुरा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने बच्चों को चोरी करते हुए देख लिया, जिसके बाद लोगों ने एक नाबालिग को पकड़ लिया, जबकि 2 बच्चे भागने में कामयाब हो गए। वहीं लोगों ने पकड़े गए बच्चे से पूछताछ शुरू की तो पकड़ में आया नाबालिग दुकानदारों के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने नाबालिग को दीवार में लगे जंजीर में बांध कर पिटाई कर डाली। कोई बाजू घुसा रहा है उसको निकले और वो घुसा रहा है और ये घर सुलेशन पे तू भाग गया ये भाग गया हम पकड़ा गए नहीं है कोई बाजू घुसा रहा है उसको तीन को घुसा रहा है उसको तीन जन जाने एक हम भी एक उड़ा ले गाड़ी ना अंदर ना तो कौन सी नाम हो एक अगर नीरज ना बैग सुलेशन पे ले उड़ा सुलेशन नाम हो और नीरज नाम हो तोर कौन नाम हो रोशन तोर पापा के हरिलाल मामला है पैसा चोरी हुई थी दुकान से कितना 5,000 रुपए कैसे वो दुकान से लेकर भाग रहा है किस दुकान से साइज की दुकान से अच्छा क्या किया आप लोग उसको उसको पकड़ कर रखे थे तो गाली दे रहा था इससे पहले भी कभी चोरी हुआ है हाँ चोरी हुआ था 3-4 को दुकान से चोरी हुआ था उसके बाद आप लोग क्या किए उसको पुलिस को दे दिए पुलिस आया था पुलिस पकड़ कर लेकर चले गया वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़े गए बच्चे को हिरासत में ले लिया है और नाबालिग के परिजनों को सूचना दे दी है। इसके साथ ही पुलिस घटना की जांच और कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पुलिस का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील की रिपोर्ट।